He is aliens. We are. He is aliens. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो ESZ एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमने स्टार्ट किया था UKPSC JEE इलेक्ट्रिकल के लिए एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार हम लोग चाणक्य नीति के महामंत्र सीरीज में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों आज की फिर से महायुद्ध की आगाज करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं आज का अपना चाणक्य नीति का महामंत्र सीरीज। तो चलिए आज का हमारा जो लेक्चर है नेटवर्क थ्योरी प्लस BEE का लेक्चर नंबर 2, दैट इज सेट 2, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो नेटवर्क थ्योरी और BEE है बच्चों, फिर से आपको बता दूं कि ये आपका सेक्शन ए ऑफ पेपर 1 और 2 है, ठीक है। टेक्निकल का जो आपका UKPSC JEE का पेपर होगा उसका सेक्शन ए है पेपर 1 और पेपर 2 का, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज 1000 वाट फ्रॉम द 250 वोल्ट सोर्स। द पावर ड्रॉन फ्रॉम द 200 वोल्ट सोर्स इज, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि कितना पावर ड्रॉ करता है, 1000 वाट ड्रॉ करता है। अगर हम लोग उसे 250 वोल्ट सोर्स से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो बोल रहा है कि अगर उसे मैं 200 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट करूं तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका दिया हुआ है क्या है, आपका दिया हुआ है कि ये कितना 1000 वाट पावर कंज्यूम करता है, 1000 वाट। अगर हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं 250 वोल्ट के सोर्स से, ठीक है। तो यहां से आप बच्चों क्या करो, यहां से रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस निकाल लो। तो R इक्वल टू होता है V² / P, ठीक है, V² / P। तो यहां से आपका V का वैल्यू कितना है, 250 और इंटू 250 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 1000, ठीक है। तो यहां से 10 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से बताइए, ये आपका आ जाएगा 625 और डिवाइडेड बाई 10, तो आपका आ जाएगा 62.5, ठीक है, ओम, ठीक है, 62.5 ओम, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि यहां से आपका दिया हुआ है कि अगर हमें उसी हीटर को कनेक्ट करूं 200 वोल्ट के सप्लाई से तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो आपके पास में रेजिस्टेंस का वैल्यू आ चुका है कितना, 62.5 वाट, ठीक है, भी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200 वोल्ट। तो यहां से पावर निकाल लेंगे, पावर इक्वल टू V² / R से, भी का वैल्यू कितना हो गया, 200 और इंटू 200 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 62.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, यहां से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो ऊपर आपका 10 आ जाएगा और 25 से आप कैंसिल का आउट करिए, 25 एट जा 200 एंड 25 से यहां से 25 × 25 625, ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा फिर, 25 से 25 8 200 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, कितना हो गया, 8 64 मतलब दैट इज 640 वाट, कितना होगा बच्चों, 640 वाट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस इज अ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ऑप्शन नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों, जिसे आप बोलते हो वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विभवांतर बोला जाता है, ठीक है। तो वो एक क्या होता है बच्चों, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, क्या होता है वो, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा हो ना सदिश एंड सदिश और अदिश राशि, तो ये क्या है, एक अदिश राशि है, क्या है ये, अदिश राशि, दैट इज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या है, टू कपल्ड क्वाइल, देखिए ये मैग्नेटिकली कपल्ड
सर्किट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। बोला टू कपल्ड क्वाइल है विथ इंडक्टेंस L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू 0.6 हेनरी, हैव द कोफिशियंट ऑफ कपलिंग भी आपका दे दिया 0.8, देन द टर्न रेशियो आपका पूछा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको बहुत कहानी बना के दिया है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपके पास में इंडक्टेंस का जो मेन फॉर्मूला हमारे पास में आया था अगर वो पता होगा तो आप इजीली से हैंडल कर लोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एसएससी जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं कि जो इंडक्टेंस का जो मोस्ट जनरल फॉर्मूला हमारे पास आया था दैट इज म्यू इनटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल आया था, ठीक है। और हम लोग एयर कोर की बात करें तो एयर कोर में म्यू का वैल्यू क्या हो जाता है, म्यू नॉट हो जाता है, तो म्यू नॉट इनटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है बच्चों, ठीक है। तो यहां से देखिए आपका जो इंडक्टेंस है बच्चों, इंडक्टेंस वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका L1 बाई L2 है दैट विल बी इक्वल टू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, N1 बाई N2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर L1 और L2 दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ 0.6, ठीक है। तो यहां से हमारा N1 बाई N2 का जो रेशियो होगा बच्चों ये आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखिए ऑप्शन नंबर 1 CV² / 2, ऑप्शन नंबर 2 V² / 2, ऑप्शन नंबर 3 C²V/2। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर होता है हमारा ½ CV², ठीक है। और इसी को हम लोग एक और फॉर्मूला यहां पर होता है इसका दैट इज Q²/2C, और यहां पर होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 × Q × V, ठीक है, Q × V, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास में है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर जो हमारा दैट इज पहला जो फॉर्मूला ½ CV², ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या है Q²/2C, और तीसरा जो फॉर्मूला हमारा दैट इज 1/2 × Q³, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है ना, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब वो कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड हो, जब चार्जिंग प्रोसेस में हो, उस समय वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वहां पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, अगर बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो दैट बैटरी विल मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये कब यूज होता है, जब चार्ज कांस्टेंट है, जब चार्ज हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये कब लगेगा, जब हमारा वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ½ CV² दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क कैन बी इंक्रीज बाय पुटिंग, ठीक है। देखिए बोल रहा है कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क कैसे इंक्रीज करेंगे, अब अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे कैपेसिटेंस को, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो C1 C2, ठीक है, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस C1 + C2। तो कैपेसिटेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो कौन सा ऑप्शन होगा, कैपेसिटेंस इन सीरीज नहीं होगा, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, बोला कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ओवरलैपिंग एरिया, ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डायलैक्ट्रिक, ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो आपको पता होगा बच्चों की जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए अपॉन डी होता है, और इसी एप्सिलॉन आर को आप क्या बोलते थे, ये एप्सिलॉन आर ही क्या होता था, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता था, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए सी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है, सही है, अगर ओवरलैपिंग एरिया इंक्रीज होता है, ओवरलैपिंग एरिया इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, तो ये
सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डायलेक्टिक, जब रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट इंक्रीज करेंगे तो भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, ये भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका, इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों आपका, यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू रजिस्टिव सर्किट, रिएक्टिव सर्किट, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ओम्स लॉ जो हमारा होता है, दिस इज अप्लीकेबल फॉर बोथ रजिस्टिव एंड रिएक्टिव सर्किट, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू बोथ रजिस्टिव एंड रिएक्टिव सर्किट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज बोथ वन एंड टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, ठीक है, तो देखिए आपका 1 kWh जो आपका होता है बच्चों, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 1 kWh इक्वल टू 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसका रेटिंग 1 kW है, ठीक है, और वो 1 घंटे तक अगर चले तो कितना इलेक्ट्रिसिटी आएगी, 1 unit की इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज kWh। ठीक है, 1 kWh कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है, द किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट द सम ऑफ कौन सा ऑप्शन होगा, एट अ पॉइंट की बात किया है, तो किरचॉफ्स का पॉइंट लॉ कहां पे लगता है, दैट इज KCL जो आपका होता है, किरचॉफ्स पॉइंट लॉ होता है। ठीक है, जिसे हम लोग KCL फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। तो देखिए यहां पर बच्चों, KCL जो हमारा क्या है, KCL जो होता है हमारा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट लॉ होता है। ठीक है, और KVL जो हमारा होता है, ये क्या होता है, लूप लॉ होता है ना, लूप लॉ होता है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज कंजर्वेशन को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को। तो बोल रहा किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट द सम ऑफ क्या होगा, करेंट, सम ऑफ करेंट एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज जीरो। ठीक है, एक्चुअली मोर प्रेसाइजली अगर ये क्वेश्चन को पूछता तो कैसे पूछता, किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ, क्या बोलता, अलजेब्रिक सम है ना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता उसको, अलजेब्रिक सम बोलता। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब हम लोग KCL लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट मीटिंग एट अ पॉइंट जंक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी पॉइंट और जंक्शन पे सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट करते हो, है ना, क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट, मतलब आपको साइन कन्वेंशन भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कि किसको आप पॉजिटिव लोगे, किसको आप निगेटिव लोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, तो आपको बताया था बच्चों यहां पर कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये क्या होता है, B डॉट A होता है हमारा बच्चों, और इसका जो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जिसका यूनिट होता है वेबर, ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, दैट इज टेस्ला, और टेस्ला क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, और ये साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के, ठीक है, के आधार पर दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एनर्जी प्रोवाइडेड बाई एन आइडियल वोल्टेज सोर्स वेन द लोड इज ओपन सर्किट। अब बताइए बच्चों, एक हमारे पास में आइडियल वोल्टेज सोर्स है VS, जिसका सोर्स रेजिस्टेंस क्या है उसके सीरीज में जीरो है ना, सोर्स रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है। तो अब बोल रहा है कि अगर हम इसे ओपन सर्किट लोड से कनेक्ट करें, मतलब RL क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा ये वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगा, क्योंकि करेंट ही सर्किट में क्या हो जाएगा, जीरो, करंट सर्किट में क्या हो जाएगा, जीरो।
करंट जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर एनर्जी और पावर भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। तो पीएल भी क्या हो जाएगा जीरो और एनर्जी भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन थेवेनिन्स मॉडल द रेजिस्टेंस आरटीएच इज डिफाइंड एज, आरटीएच इज डिफाइंड एज कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर वन क्या है, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ऑप्शन नंबर टू, क्लोज्ड सर्किट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ऑप्शन नंबर थ्री, रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय रिप्लेसिंग वोल्टेज और करंट विद देयर इंपेडेंस। ठीक है, एंड नन ऑफ द एबव। तो कौन सा होगा बच्चों यहां पर? ये ओपन सर्किट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट होता है। ठीक है, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट है ना, ये होता है हमारा ओपन सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द कंडक्टर यूज फॉर हाई क्वालिटी सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट इज कौन सा यूज करते हैं? आजकल मोस्टली यूज हो रहा है किसका? एल्युमिनियम का यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका लाइट वेट होता है, ये क्या होता है इसका लाइट वेट होता है। ठीक है, और साथ में ये क्या है, थोड़ा सा चीपर भी है। ठीक है, तो उसके कारण हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए होता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन रो इंटू एल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, जो कंडक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाता है बच्चों। तो क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिल्कुल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन इंसुलेटर द इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो फ्रीली विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन क्या, इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्जेस डज नॉट फ्लो फ्रीली विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर थ्री, द इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, द इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पर बच्चों, इंसुलेटर में क्या होता है, लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर वन, देखिए द इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो फ्रीली विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, द इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्जेस डज नॉट फ्लो फ्रीली विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब अगर देखिए यहां पर इंसुलेटर में अगर थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा तो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए यहां पर इंसुलेटर और कंडक्टर में कभी भी हम लोग होल्स की बात नहीं करते। होल्स का कॉन्सेप्ट किस में आता है? सेमी कंडक्टर में। तो अगर कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, दोनों में जो कंडक्शन प्रोवाइड करेगा वो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दोनों ही यूनिपोलर डिवाइस होता है, ओनली सिंगल टाइप ऑफ चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर करंट कंडक्शन के लिए। तो कौन सा होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, एट डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जब किसी भी डायलेक्ट्रिक का हो जाता है तो कैसा बिहेव करने लगता है? कंडक्टर के जैसा। ठीक है, सो इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर, ये होगा सही ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल एरो रिप्रेजेंट, सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर, करेंट सोर्स और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए एरो दिया हुआ तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज करेंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, कैपेसिटर क्या है? एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द दीज। ठीक है, कैपेसिटर क्या है? पैसिव कंपोनेंट है। क्या है? पैसिव कंपोनेंट। आपको बताया था आर, एल और सी, ये तीनों जो एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। ठीक है, पैसिव होता है, बाईलेटरल होता है,
एंड लंप्ड होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज कैपेसिटर इज अ पैसिव कंपोनेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, करेंट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली करेंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है वो किधर होता है बच्चों, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट में फ्लो करते हैं। सो करेंट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज इन द स्टार कनेक्शन ये रिलेटेड है। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वीपी और क्या होता है हमारा वीएल सेम होता है। इस वाले केस में आपका जो आई एल होता है दैट विल बी इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ आईपी होता है। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन की बात है, ठीक है। अगर हम लोग स्टार कनेक्शन के बारे में बोलें तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा, इन स्टार कनेक्शन, ठीक है, स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में क्या होगा हमारा जो लाइन वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, बट जो हमारा करेंट होगा लाइन करेंट और लाइन फेज करेंट ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है, कि अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन है तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज और लाइन करेंट और फेज करेंट आपस में बराबर होगा। अगर हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन के केस में क्या होगा हमारा, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होगा बट लाइन करेंट इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ आईपी, ठीक है। तो कौन सा होगा बच्चों, और रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहां पर फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज है ना अपॉन 1.732, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस वोल्टेज एंड चार्ज ईच आर रिलेटेड एज, है ना, कैपेसिटेंस वोल्टेज एंड चार्ज आर रिलेटेड एज। तो मैंने आपको बताया था क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी, इस तरह से रिलेटेड है तीनों, है ना। अब ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्यू इक्वल टू सी वी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इंडक्टिव इंपेडेंस ऑफ द लोड इंक्रीजेज विद, जो इंडक्टिव इंपेडेंस होता है बच्चों ये क्या होता है, जे ओमेगा इंटू एल होता है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है आपका, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स जिसे आप अप्लाई कर रहे हो उसमें, ठीक है। एल क्या है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, सो आपका जेड एल क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एल, एंड जेड एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से इंडक्टिव इंपेडेंस इंक्रीज करेगा, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, द अपेरेंट पावर ऑफ द एसी फ्लो इज मेजर इन, अपेरेंट पावर को कैसे मेजर करते हैं, तो अपेरेंट पावर को मेजर करते हैं बच्चों वोल्ट एम्पियर में, किसमें मेजर करते हैं, वोल्ट एम्पियर में, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज एक्टिव फिल्टर यूज्ड इन द नेटवर्क आर हैविंग पैसिव कंपोनेंट, लो क्वालिटी फैक्टर, हाई क्वालिटी फैक्टर। तो जो भी हम लोग एक्टिव फिल्टर यूज करते हैं उसका क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, हाई पास टी फिल्टर हैज, ठीक है, हाई पास टी फिल्टर है, हाई पास टी फिल्टर यूजिंग कैपेसिटर अगर हम बनाए तो ऐसा बनेगा टी फिल्टर, और यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, ये आपका है सी सी एंड आर, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो इसका ये इनपुट इंपेडेंस है जेड इन, और इसका ये आउटपुट इंपेडेंस है जेड नॉट, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करें तो बोल रहा है लो इनपुट इंपेडेंस एट लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पर तो ये बहुत हाई इंपेडेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो अगर इसका ओमेगा का वैल्यू बहुत ही हाई होगा तो इसका जेड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा जेड सी, क्योंकि जेड सी आपका क्या होता है, जेड सी इक्वल टू 1/j ओमेगा सी, तो क्योंकि ओमेगा अगर क्या हो जाएगा हाई होगा तो जेड सी क्या होगा, कम होगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, जो इनपुट इंपेडेंस होगा बच्चों ये कब लो होगा, जब फ्रीक्वेंसी हाई है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे इसका भी इंपेडेंस लो और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, दैट इज हाई इनपुट इंपेडेंस एट हायर फ्रीक्वेंसी, ये भी नहीं होगा,
दैट हाई आउटपुट इम्पीडेंस एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई आउटपुट इम्पीडेंस एट लो फ्रीक्वेंसी, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, लो इनपुट इम्पीडेंस एट लो फ्रीक्वेंसी, ये नहीं होगा, लो इनपुट इम्पीडेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन होगा, लो इनपुट इम्पीडेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, लो इनपुट इम्पीडेंस, ये ऑप्शन होगा आपका बच्चा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोला पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन द एलसीआर सर्किट व्हेन, ठीक है, पावर फैक्टर कब मैक्सिमम होता है बच्चों, जब हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करने लगता है, दैट इज जो इंपेडेंस का जो रिएक्टिव पार्ट है, ठीक है, एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जब एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाएगा तो उस केस में जो नेट इंपेडेंस होगा आपका वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर, और सर्किट कैसा बिहेव करने लगेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसा, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, पावर फैक्टर आपका हो जाएगा cos phi इक्वल टू यूनिटी, ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस, तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसी सर्किट, ठीक है, इन एसी सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल इज, ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन सा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, तो क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, है ना, बोल रहा है दैट ट्रांजिस्टर प्रोवाइड गुड पावर ऑफ एम्पलीफिकेशन व्हेन दे आर यूज्ड इन, ठीक है, हम लोग बताए थे, ठीक है, कि जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, इसमें वोल्टेज गेन और करेंट गेन दोनों ही क्या होता है, हाई होता है, दोनों ही हाई होता है, ठीक है, तो पावर का एम्पलीफिकेशन जो होगा हमारा, पावर का एम्पलीफिकेशन कॉमन इमीटर में क्या होगा, बेटर होगा, तो क्योंकि यहाँ पर जो पावर गेन है हमारा, पावर गेन दैट विल बी इक्वल होता है वोल्टेज गेन इनटू करेंट गेन, तो पावर गेन कब हाई होगा, जब हमारा वोल्टेज गेन और करेंट गेन दोनों क्या है, हाई है, और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होता है कि वोल्टेज गेन करेंट गेन दोनों हाई होते हैं, ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 29, बोल रहा है द अपेरेंट पावर इन द एसी सर्किट इज 50 वोल्ट एम्पियर एंड द रिएक्टिव पावर इज 40 VAR, द ट्रू पावर विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर कि आपका जो अपेरेंट पावर होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से अपेरेंट पावर कितना दिया हुआ है, अपेरेंट पावर दिया हुआ है 50, इसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड से, 50 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये पी का वैल्यू पूछा है, एंड इसका क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू 40, तो 14 कितना हो जाएगा 1600, तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2500 और माइनस 1600 मतलब कितना हो जाएगा 900, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 900, तो इक्वल टू 30 वाट, कौन सा ऑप्शन होगा 30 वाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बच्चों, बोल रहा है अ क्वाइल ऑफ 500 टन्स इज लिंक्ड बाय अ फ्लक्स ऑफ 0.4 मिली वेबर, इफ द फ्लक्स रिवर्स इन 0.01 सेकंड देन ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट, बोल रहा है कि 0.01 सेकंड में फ्लक्स क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, फ्लक्स क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो पहले कितना था 0.4 मिली वेबर, अब इससे क्या हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा, मतलब माइनस 0.4 मिली वेबर हो जाएगा, ठीक है, सो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ ये क्या होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, और यहां का नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ, तो क्या होगा माइनस एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, n का वैल्यू कितना है बच्चों 500 और इंटू डेल्टा फाई कितना हो जाएगा दिस माइनस दिस मतलब कितना हो जाएगा आपका 0.8, है ना 0.8 मिली, है ना 10^-3, है ना, और डिवाइड बाय कितना, और डेल्टा टी कितना 0.01 सेकंड, अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कौन सा हो गया 40 वोल्ट, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज 40 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है क्या, इन आरएलसी पैरेलल सर्किट द इंपेडेंस एट द रेजोनेंस इज, पैरेलल आरएलसी सर्किट में इंपेडेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है रेजोनेंस कंडीशन में, है ना, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे इंपेडेंस जो होता है हमारा बच्चों, ठीक है, जेड इन क्या हो जाता है, मैक्सिमम किसमें, पैरेलल आरएलसी सर्किट में, सीरीज में मिनिमम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32, बोल रहा है इन डेल्टा कनेक्शन सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन करेंट एंड फेज करेंट इज, ठीक है, यही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जिसमें स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में हमको VL और VP के बीच में रिलेशन निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन द डेल्टा कनेक्शन सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन करेंट एंड फेज करेंट इज, ठीक है। तो डेल्टा में क्या होता है हमारा, डेल्टा में जो हमारा लाइन करेंट होता है ये होता है रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज करेंट, रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज करेंट, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज IL इक्वल टू रूट 3 I फेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी करेंट इन द सीरीज आरएलसी सर्किट इज इक्वल टू द करेंट एट द रेजोनेंस मल्टीप्लाइड बाय 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी द करेंट इन द सीरीज आरएलसी सर्किट इज इक्वल टू द करेंट एट रेजोनेंस मल्टीप्लाइड बाय, तो देखिए जो आपका 3 डेसिबल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है तो उस फ्रीक्वेंसी पर जो हमारा करेंट होता है बच्चों, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी पर जो करेंट होता है वो कितना हो जाता है, देखिए ये 3 डेसिबल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसको आपने ओमेगा एल और ओमेगा एच की बात किए थे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर करेंट क्या मैक्सिमम है, ये फ्रीक्वेंसी जो हमारा है ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना, यहाँ पर करेंट क्या होता है मैक्सिमम होता है ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, क्या हो जाता है करेंट आई नॉट का रूट टू टाइम्स, 1/√2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 1/√2, मैक्सिमम करेंट का रूट टू टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम करेंट का 1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंस एट 1000 किलोहर्ट्ज एट फ्रीक्वेंसी 998 किलोहर्ट्ज सर्किट इंपेडेंस इज, तो ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट का बात किया है, और सर्किट कैसा है बच्चों, सर्किट है सीरीज तो कैसा होगा, कैपेसिटिव नेचर होगा, तो कैपेसिटिव नेचर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, दैट ट्रांसफर फंक्शन TS इक्वल टू S अपॉन S प्लस A इज दैट ऑफ, किसका है बच्चों, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें S इक्वल टू 0 पुट करो, S इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन का जो हमारा ये है गेन, तो गेन क्या हो जाएगा आपका, गेन क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसको गेन बोलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका S इक्वल टू 0 होगा तो हमारा गेन क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और S जब हमारा इन्फिनिटी होगा तो उस समय गेन क्या हो जाएगा बताओ, गेन कितना हो जाएगा, यहाँ पर उसको डिवाइड कर दो S से तो ये हो जाएगा 1 और यह 1 प्लस A बाई S, S का वैल्यू पुट कर दो इन्फिनिटी पुट कर दो S का वैल्यू तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, दैट इज 1, तो ये क्या है हाई पास फिल्टर है, कैसा है हाई पास फिल्टर है, ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन हो गया दैट इज हाई पास फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है अ पार्टिकुलर करेंट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट 10 एम्पियर डीसी एंड साइनसोइडल करेंट ऑफ 1.414 द एवरेज वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट करेंट इज, ठीक है, अब एक हमारे पास में करेंट है बच्चों उसका वो दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ करेंट, एक हमारा 10 एम्पियर डीसी है प्लस 1.414 टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा है, तो अब एक चीज बताइए यहाँ पर इसका जो एवरेज वैल्यू है ये पूछा कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चों, इसका तो एवरेज वैल्यू 0 होता है प्योरली साइनसोइडल सिग्नल का, एवरेज वैल्यू हो जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में चाणक्य नीति के महामंत्र सीरीज में, एक नए क्वेश्चन का सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो मिलते हैं अब लोग नेक्स्ट वीडियो में,
और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं UKPSC JEE के लिए, ऑनलाइन भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।